नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधौन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व एसडी लोकेश शर्मा ने कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट क्यों नहीं करवा सकी, इसके पीछे क्या कारण रहे, इस पर पार्टी को गहनता से विचार करना चाहिए। लोकेश शर्मा ने कहा कि इसमें जो एक प्रमुख कारण रहा उसका मैंने चुनाव परिणामों पर सोशल मीडिया पर दी गई प्रतिक्रिया में भी जिक्र किया। वो कारण था कि कुछ अपरिपक्व और चापलूस किस्म के लोग गहलोत ने अपने आसपास इकट्ठे कर लिए थे, इस वजह से जो जमीनी सच्चाई थी वो उन तक नहीं पहुंच पाई। उसका जो नतीजा रहा वो आज सभी के सामने है। लोकेश शर्मा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की 100% उम्मीद थी, क्योंकि जहां सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, लोग सरकार के कामकाज से खुश थे और जनता चाहती थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में जो कमियां खामियां रही उन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। जनता की नाराजगी कांग्रेस की सरकार से नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं से थी और इसीलिए अगर समय रहते टिकट बदले जाते तो निश्चित तौर पर आज हम सरकार में होते। पिछले दिनों जिन भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी उन सभी नेताओं ने एक ही बात कही कि पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हुई। टिकट वितरण में भी एक ही व्यक्ति अशोक गहलोत की चली। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया कि सरकार रिपीट नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण रहे और आने वाले समय में हम इन खामियों को दूर कैसे करेंगे। इसकी बजाय गहलोत का जोर इस बात पर रहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बड़ा है, लेकिन जिस प्रदेश में पार्टी सरकार रिपीट कर सकती थी वहां पर यह कहना कि हमारा वोट प्रतिशत बड़ा है और चुनाव में 69 सीट आई है, ये केवल मन को तसल्ली देने वाली बात है। लोकेश शर्मा ने कहा कि अब अगर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतना है तो ऐसे युवा चेहरों को मौका देना होगा जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए पार्टी का एक कैडर स्थापित कर सके। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत को कई लोग कई तरह की सलाह दिया करते थे और मैं मानता हूं कि अगर लोकतंत्र में सलाह अपरिपक्व होगी तो वो आज नहीं तो कल खुद को नुकसान पहुंचाएगी। अब इससे साफ है कि लोकेश शर्मा ने सीधे सवाल अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पर भी उठाए हैं और साथ ही उन नेताओं पर भी जो कि अशोक गहलोत के करीबी रहे। आपके इस पर विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।